रोडवेज हड़ताल के पांचवें दिन आज भी बसें बहुत कम चल रही हैं। खास बात यह कि पानीपत डिपो से स्कूल कॉलेजों की बसें और पुलिस के जो एसपीओ वो बसें चला रहे हैं, कुछ और स्टाफ को भी हायर किया गया है। जीएम साहब, आज भी स्थिति कोई ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन जो सवारियों को दिल्ली कह के बिठाया जा रहा है, प्राइवेट बसें जो यहाँ से चल रही हैं, उनको लोग कंडक्टर स्टाफ ये नहीं बता रहा कि हम बॉर्डर पे उतारेंगे, उनको दिल्ली के आगे बिठा रहे हैं, लोग बैठ जा रहे हैं लेकिन उनको वहाँ उतारा जा रहा है, इस तरह की लगातार शिकायत आ रही है, लोग परेशान हैं। ये जो आपने बताया है, ये प्राइवेट बसों का जो है, इसके बारे में आरटीए ऑफिस से जो है 3-4 कर्मचारी ऑलरेडी सवेरे मौजूद थे यहाँ, और वो यहाँ अंदर भी और बाहर बस स्टैंड के बाहर भी कंट्रोल कर रहे थे इस चीज़ को, जहाँ तक जो है उतारने की बात है, क्योंकि यहाँ से जो सवारियाँ ये बिठाते हैं, ये इतना ध्यान में जरूर आया था कि भी वो बस स्टैंड दिल्ली तक लेकर जाएंगे, लेकिन रास्ते के अंदर जो है अगर वो उतार रहे हैं, बॉर्डर पर उतार रहे हैं, तो इसकी शिकायत क्रम से आरटीए सेक्शन में की जाएगी, ताकि इस बात का वो इंश्योर करें, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेशन जो है वो आरटीए ऑफिस के ही कंट्रोल में रहता है। हाँ, शिकायत आई है तो शिकायत का जरूर क्रम से उनको बताया जाएगा, ताकि इसका समाधान करवाया जा सके। दूसरी बात यह है कि वो लोग बॉर्डर के पार कैसे जाएंगे, परमिट तो है नहीं, वहाँ पुलिस चलान करेगी, पकड़ेगी, तो वो तो नहीं जा सकते ना, लेकिन यहाँ से कुछ इस तरह की व्यवस्था हो, सवारियों को बताया जाए कि आपको दिल्ली बॉर्डर पे उठाया जाएगा, आगे से दिल्ली की बसें मिलेंगी, लेकिन इस तरह से मिस गाइड किया जा रहा है। इसके बारे में जो है डेफिनेटली अगर शिकायत आई है, वैसे मैंने अपने इंस्पेक्टर जो है बाहर बिठा भी रखे हैं इसको चेक करने के लिए, और मैं इंश्योर करता हूँ कि शिकायत आती है तो आरटीए ऑफिस को तुरंत बताया जाए और उसके बारे में उस पर कार्रवाई की जाए। जीएम साहब, अब व्यवस्था करेंगे कि जो दिल्ली की सवारियां जा रही हैं उनको बताया जाएगा कि आपको दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे उतारा जाएगा, आगे की व्यवस्था खुद करें। लिहाजा पांचवें दिन भी हड़ताल जारी है, और लगता ये है कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और कर्मचारी नेता अपनी जिद पर, जिसमें यात्री और पब्लिक पिस रही है। सहयोगी कपिल के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।